बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम मोज़रेला चीज़ बना रहे हैं और मोज़रेला चीज़ पिज़्ज़े के अलावा आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, बहुत सारी रेसिपीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है और सारों की ये बहुत फेवरेट होती है। और अगर हम इसे बाज़ार से बाय करने की बात करें तो ये बहुत महंगे दामों भी मिलती है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल नहीं है। आज हम इसे घर पे फैक्ट्री स्टाइल से बनाते हैं और मैं बहुत ही इजी स्टेप के साथ आपको आज घर पे मोज़रेला चीज़ बनाने का तरीका बताऊंगी। आप सारी वीडियो को वॉच कीजिए, मेरे साथ रहिए और मुझे ज़रूर बताइए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे और बताइए कि आपकी ये मोज़रेला चीज़ कैसे बनी। चलिए, सबसे पहले एक पतीले में मैंने पानी डाल लिया और इसको हम सबसे पहले पानी को गर्म कर लेते हैं। पानी गर्म होने देते हैं, फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए पानी काफ़ी गर्म हो गया और इसमें छोटे छोटे बबल्स आने लग गए हैं। इसका मतलब ये पानी बहुत ज़्यादा मतलब फुल गर्म हो गया है। अब इसे हम साइड पे रख लेते हैं और चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। मैंने खुले मुंह वाली एक कढ़ाई ले ली है ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। यहाँ पर मैंने 1 किलो फुल क्रीम मिल्क ले लिया, ये डाल दूँगी। फुल क्रीम मिल्क ले लिए तो थोड़ा सा इसके अंदर उसका जो कंघाल होता है वो डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। अब यह कच्चा दूध था और मैंने इसको बॉयल नहीं करना, मैंने सिर्फ इतना गर्म करना है कि ये मैं उंगली को डिप करूँ तो 3 गिन्ने तक मेरी उंगली जले ना। अगर आप इससे ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये हमारा फिर सही मोज़रेला चीज़ नहीं बन पाएगी। अब ये देखें 1, 2, 3। इस मौके पर आके अब ये देखें, ये मेरे पास है वाइट विनीगर, खाने का सिरका। ये मैंने तकरीबन आधा कप ले लिया, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के और ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करना शुरू करते हैं। विनीगर आपका क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा डल सकता है। ये यहाँ किलो दूध है, अगर आप ज़्यादा दूध की बना रहे हैं तो वहाँ विनीगर की डेफिनेटली ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये देखें दूध फटना शुरू हो गया है। बस ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर हमने चम्मच नहीं चलाना ताकि जो इसकी तारें हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इस तरीके से देखिए, अब आपको यकीन नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए दूध अलहदा हो रहा है और पानी अलहदा हो रहा है। देखिए अलहदा हो गया। अब इसको हम ऐसे स्पैचुला से इकट्ठा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके छोटे छोटे स्टेप होते हैं, बस आपने उनको फॉलो करना है। बाकी ये बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये देखें स्टार्ट हुआ बनना, कि ये देखें पानी अलहदा बिल्कुल, कोई ज़र्रे मतलब छोटे छोटे कोई ज़र्रे होंगे लेकिन ये देखें ये कंडीशन देखें, ये सब एक जगह इकट्ठा हो गया, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए चलें अब इसको हम निकालते हैं। चलें अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरीके से देखिए माशाल्लाह खुद ब खुद इकट्ठा हो गया। और देखें अभी से ये देखें चेक करें जरा, चीज़ हमारा तैयार हो गया। अब ये जो पानी है इसे भी आपने फेंकना नहीं है, ये भी बहुत इसमें ताकत होती है और विटामिन्स होते हैं। इस पानी से आप आटा गूंद लें या आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसके अंदर यूज़ कर लें, लेकिन इस पानी को भी ज़ाया नहीं करना। कढ़ाई से निकाल के ये वो गर्म पानी है जो हमने स्टार्टिंग में गर्म किया था, ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम इसके अंदर इसे डालेंगे। हाथ आपका जलेगा तो इसके लिए आप स्ट्रेनर वगैरह का यूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा गर्म है। इस तरीके से इसमें डालने का मकसद ये है कि जो विनीगर इसके अंदर है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। इस पानी के अंदर फ्रेंड्स मैंने आधा चम्मच तकरीबन नमक भी डाला है जो वीडियो में शूट नहीं हो सका,
तो आप इसके अंदर, इस गर्म पानी के अंदर किलो के हिसाब से आप आधा चम्मच डालें या चौथाई चम्मच डालें, नमक ज़रूर डालें। फिर ऐसे डालेंगे, इस तरीके से निकाल के दो से तीन दफ़ा मैंने इसे अंदर डाला। और ये देखिए, अब हम इसे डालेंगे ठंडे पानी में, ठंडे पानी में डिप कर देंगे। और इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसका पानी निकालेंगे, डालेंगे और अच्छे तरीके से इसका पानी निकालेंगे। फिर गर्म पानी में डालेंगे, इस तरीके से अच्छे तरीके से। देखें, सारा पानी जो है हमारा वो दूध वाली शक्ल में आता जा रहा है। इसके अंदर जितना भी विनीगर है या कोई ज़रा शामिल है कतरा, तो वो सारा निकल जाएगा इस तरीके से। छिड़का देंगे इसे, दो से तीन बार इसके अंदर अच्छी तरह आप डिप करें, उसके बाद फिर इसे ठंडे पानी में एक दफ़ा डिप कर लें। इसी तरह हम 10 से 12 मरतबा करेंगे, ताकि इसके अंदर से अच्छे तरीके से विनीगर का और दूध का जो कोई कतरा है वो इसके अंदर से निकल जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चीज़ माशाल्लाह तैयार हुआ है। देखें अब इसे, देखें आप इसकी स्टिकनेस चेक करें, आप देखें कैसे बबल गम की तरह लंबा हो रहा है। देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त चीज़ इंशाल्लाह हमारा तैयार हो रहा है। फिर डालेंगे इसे गर्म पानी में, 8 से 10 दफ़ा आपने इसी तरह रिपीट करना है कि एक एक मिनट इसके अंदर रखें। और इसे गर्म पानी में हाथ जलता है, तो इसलिए मैं इसका स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। माशाल्लाह कितनी अच्छी तारें बननी शुरू हो गई हैं अभी। देखिए अब फिर इसे लास्ट हम ठंडे पानी में डालेंगे, आठ से दस दफ़ा हमारा कंप्लीट हो गया। इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के या पॉलीथिन शीट में किसी में रख के, और हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए फाइनल इसकी मैंने इस तरीके से बना के हम इसके अंदर रख देंगे इस तरीके से, इस तरीके से रख के इसके अंदर रखेंगे हम, इसको बंद कर देंगे। इसे 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की बनी है। इसे 1.5 घंटा मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, और चले 1.5 घंटे बाद इसकी कंडीशन देखते हैं। देखिए कितना माशाल्लाह बिल्कुल नरम और बेहतरीन हमारा जो है मोज़रेला चीज़ तैयार हुई है। चलिए अब इसको मैं आपको थोड़ा सा काट के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मोज़रेला चीज़ तैयार हुई है। अब इसे ग्रेट करके ज़रा स्लाइस पे डाल के चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये इसे हम ग्रेट कर रहे हैं। चलिए हम एक स्लाइस लेते हैं, उसके ऊपर इसे डालते हैं, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ। चलिए इसे तवे पर थोड़ा गर्म करते हैं। पैन लेके इसको थोड़ा सा मैं गर्म करती हूँ, फिर उसके बाद इसे दोनों तरफ से सेक कर फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ब्रेड को गरम कर लिया दोनों तरफ से, ये देखे सेक लिए। चलिए अब इसकी कंडीशन चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह देख रहे हैं कितनी जबरदस्त इसके अंदर, देखे इसकी तारे बन रही हैं। देखिए कितनी जबरदस्त हमारी चीज तैयार हो गई है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, होममेड मोज़रेला चीज की। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।